सो अगला पॉइंट बैगेज सर चैप्टर नंबर 32 सरकार ध्यान देना बैगेज क्या होता है पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ अ पैसेंजर प्रोवाइडेड 2019 कमर्शियल क्वांटिटी बैगेज इंक्लूड्स अनअकाउंटेड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स सरकार ध्यान देना बोनाफाइड बैगेज अगर कोई गुड्स आप बाहर लेके गए थे वापस वही लेके आ रहे हो तो कस्टम की बात नहीं आएगी पर अगर बाहर से आप कोई नया गुड्स परचेज करके लेके आए तो कस्टम की बात आएगी पर एक लिमिट तक उसको एग्जिबिशन दिया हुआ है पर ध्यान देना जो गुड्स आप बाहर से लेके आए वो अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए बेटा ध्यान देना मतलब बिजनेस है कमर्शियल पर्पज के लिए तो कस्टम लगेगा उसमें कोई एग्जिबिशन नहीं मिलता है वो पर्सनल पर्पज के लिए या किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट देने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए अप्लाई है तो चल जाएगा बच्चा क्लियर अब सर ध्यान देना जो भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बैगेज का डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मेरे पास ये गुड्स है सर क्लियर सरकार वो ग्रीन चलन और रेड चलन याद आया बच्चा आपको ठीक रिलेवेंट डेट फॉर रेट टू टैरिफ वैल्यू क्या होगा जब आप बैगेज डिक्लेयर प्रेजेंट करते हो वही रिलेवेंट डेट होता है बेटा क्लियर देन अगर आपके बैगेज में कोई गुड्स ऐसा है जो प्रोहिबिटेड था या ड्यूटेबल है पर आपने ट्रू डिक्लेरेशन दिया था तो ऐसे केस में कस्टम ऑफिसर चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट पे उन गुड्स को वही रिटर्न कर लेगा और जब आप वापस जाएंगे तब आपको वापस लौटा देगा हमें कोई दिक्कत नहीं पर अगर आपने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया था सर अरे भाई अगर आपने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया तो ऐसे केस में क्या होगा आपके वो गुड्स क्या कहलाएंगे स्मगल गुड्स कहलाएंगे मान लो आप कोई गुड्स ऐसा लेके आए बाहर से बेटा जिसपे ड्यूटी लगता था या प्रोहिबिटेड गुड्स थे और अगर आप बाहर से लेके आए और ऐसे केस में आपने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया कस्टमर ने पकड़ लिया आपको बच्चा तो ऐसे केस में आपको पूरा सर क्या करना पड़ेगा कस्टम पे करना पड़ेगा एंड ऐसे केस में दोज गुड्स आर कॉल्ड प्रोहिबिटेड गुड्स और ऐसे केस में या स्मगल गुड्स कहेंगे उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा आपको बेटा हाँ है ना हेमल के शाह जजमेंट था बच्चा आपको पढ़ाया था क्लास में क्लियर डन पॉइंट खत्म होता है अब सरकार सेक्शन में 81 में गवर्नमेंट को पावर देगा कि वो चाहे तो रूल्स रेगुलेशन वगैरह बना सकता है बच्चा हाँ है ना क्लियर ठीक सर कोई खास बात नहीं बेटा देन बैगेज के अंदर मेन पॉइंट आता है क्या बैगेज रूल्स में एग्जिबिशन कितना दिया बेटा सबसे पहली बात जनरल एग्जिबिशन अगर आप और मैं या कोई भी पर्सन जो बाहर गया बेटा इंडिया से बाहर अदर देन नेपाल भूटान और म्यांमार वहां से अगर आ रहा है तो यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल सोनियर यस और अदर गुड्स कितना 50,000 तक अलाउड है बस अगर टूरिस्ट ऑफ फॉरन ओरिजिन है ऐसे कैसे 15,000 तक के गुड्स अलाउड है उनको फ्री ऑफ ड्यूटी अदरवाइज कुछ अलाउड नहीं बच्चा उनको यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल सोनियर यस अदर आर्टिकल कितना 15,000 तक अलाउड है बेटा और इन्फेंट अगर बाहर से आया है बच्चा तो ऐसे केस में यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है केवल और कोई गुड्स दूसरा उसके लिए अलाउ नहीं है फ्री ऑफ ड्यूटी बच्चा क्लियर और हाँ नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो तो सारी कैसी भी कैटेगरी के पैसेंजर हो 15,000 तक का गुड्स अलाउड है उसको फ्री ऑफ ड्यूटी यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल यस और अदर गुड्स कितने 15,000 तक अलाउड है पर अगर लैंड रूट से आ रहा है तो ये 15,000 तक का भी अलाउ नहीं होगा केवल यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोनियर ही अलाउ होंगे बेटा क्लियर और इन्फेंट है तो केवल यूज पर्सनल इफेक्ट ही अलाउड है उसको बच्चा क्लियर ध्यान देना अगर मोर देन 1% बाहर से आ रहे हैं तो दिस लिमिट्स कैन नॉट बी क्लब टुगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और हाँ इन एग्जिबिशन के अलावा एक लैपटॉप 18 साल से अगर ज्यादा आपकी एज है तो आप चाहो तो एक लैपटॉप कंप्यूटर अलग से और ला सकते हो इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ सच गुड्स बच्चा क्लियर और जो गुड्स अनेक्स जोन में कवर है उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्लियर अनेक्स जोन में कवर है फॉर एग्जांपल क्या अल्कोहल लीटर इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर बच्चा तो 2 लीटर तक लेके आए तो वो एलिजिबल एग्जिबिशन के लिए सब्जेक्ट की मैक्सिमम 15,000-50,000 और 2 लीटर से एक्सेस लेके आए तो उस पर कंपलसरी कस्टम पे करना ही पड़ेगा क्लियर अनेक्स जोन वन में क्या क्या कवर है फायर आर्म्स ये एलिजिबल नहीं है एग्जिबिशन के लिए देना इन पे कंपलसरी टैक्स बेटा फायर आर्म्स कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और सिगार एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स एल्कोहल लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स देन आता है क्या गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट एंड एलसीडी एलईडी या प्लाज्मा बच्चा क्लियर ये लेके आए तो कंपलसरी टैक्स लगेगा बच्चा आपको क्लियर और हाँ इनको लिमिट ऑफ 50,000-15,000 में काउंट नहीं करेंगे क्लियर इन पे कंपलसरी टैक्स है बेटा और हाँ अगर कोई पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया रहा है मोर देन 1 ईयर और फिर इंडिया में रहा है तो एडिशनल एग्जिबिशन फॉर ज्वेलरी कितना है सर जेंटलमैन पैसेंजर के लिए कितना है 20 ग्राम सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 50,000 और लेडी पैसेंजर के केस में 40 ग्राम्स या 1 lakh rupee विच एवर इज लेस बच्चा क्लियर पर एटलीस्ट 1 साल बाहर होना चाहिए बेचा वो पैसेंजर ओके अब सर रूल नंबर 6 बोलता है क्या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस हो रहा है या कोई पर्सन प्रोफेशनल सर्विस बाहर देने गया था और वापस रिटर्न हो रहा है तो ऐसे केस में जो उसने वहां बाहर अपने घर बसाने के लिए जो सामान लाया होगा हाउसहोल्ड आर्टिकल्स बेटा पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स वो भी अलाउ होंगे पर अगर 3 महीने से ज्यादा रहा है वो अप टू 6 मंथ तो एडिशनल अलाउंस बचाइए पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल का इंक्लूडिंग अनेक्स 3 वाले गुड्स बट एक्सक्लूडिंग अनेक्स 1 और अनेक्स 2 वाले गुड्स बेटा और 203 में क्या कवर हो याद करने की जरूरत नहीं बेटा नॉर्मली नहीं आता एग्जाम में अब सर पर्सनल और हाउसहोल्ड आर्टिकल कितना बेटा 3 महीने से लेकर 6 महीने तक रहा तो 60,000 तक अलाउड है 6 महीने ज्यादा पर अप टू 1 मंथ रहा तो 1 लाख तक का पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल अलग से अलाउड है बेटा क्लियर और मोर देन 1 ईयर रहा है पर एटलीस्ट 1 ईयर इन लास्ट 2 ईयर रहा है 2 साल में पिछले 1 साल एटलीस्ट बाहर रहा है तो ऐसे केस में 2 लाख तक का उसको एग्जिबिशन अलाउड है पर जानना उसने ये बेनिफिट पिछले 3 सालों में नहीं लिया होना चाहिए इन सारे केस में इन पैसेंजर होना चाहिए बेटा और हाँ एटलीस्ट 2 साल बाहर रहा है तो 5 लाख तक का
पर्सनल और हॉर्सल आर्टिकल बोले कह सकता है, पर कंडीशन क्या है, पिछले तीन सालों में उसने बेनिफिट नहीं लिया है, प्लस एटलीस्ट दो साल बाहर रहा है, पर अगर शॉर्टफॉल अप टू टू मंथ है तो एसीडीसी कैन कंडोन द अर्ली रिटर्न. क्लियर? अगर वो अर्ली रिटर्न हुआ क्यों, ड्यू टू वैकेशन अप्रूव, या सरकार वैकेशन हो गया, या उसके सर टर्मिनल लीव हो गई बेटा, या एनी अदर जेन्युइन रीजन था तो वो जल्दी आ गया, कोई बात नहीं बेटा. सेकंड बात, अगर वो दो साल एटलीस्ट बाहर रहा पर पिछले दो साल में आठ महीने तो बाहर रह गया बेटा, तो नहीं चलेगा बेटा. मैक्सिमम शॉर्ट विजिट्स पर जो इंडिया आया वो, तो ड्यूरिंग लास्ट टू ईयर्स मैक्सिमम स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग शॉर्ट विजिट शुड नॉट एक्सीड सिक्स मंथ, पर कमीशन चाहे तो एक्सेप्शन केस में अलाउ कर सकता है मोर देन सिक्स मंथ भी बच्चा. हाँ है ना, तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा 5 लाख का बच्चा. क्लियर? देन करेंसी के लिए रूल नंबर 7 दिया. रूल नंबर 7 बोलता है क्या, रेफर करो फेमा, हमारे को दिमाग मत खराब करो बच्चा. रूल नंबर 8 बोलता है क्या, अनअकम्ड बैगेज. बच्चा पहले आप आ गए, बैग बाद में आए, कितने बाद में आए, तो उसके बोला क्या, अगर आप पहले आ गए तो सर बैग शुड बी डिस्पेस्ड विद इन नेक्स्ट 1 मंथ प्लस एक्सटेंशन जो भी एसीडीसी अलाउ करेगा. और हाँ, बैग पहले आ गए आप बाद में आ रहे हो, यू शुड अराइव विद इन 2 मंथ प्लस एक्सटेंशन जो भी एसीडीसी अलाउ करेगा. अगर आपके पास रीजन था बियॉन्ड योर ओन रीजन, आप नहीं आ पाए, बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल कोई रीजन था बेटा, आप नहीं आ पाए, तो वो एक्सटेंशन अलाउ करेगा, बट टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सीड 1 ईयर. देन आ रहा क्या, एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स टू मेंबर ऑफ क्रू. क्रू मेंबर्स के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा, पर हाँ, जो उसका लास्ट ट्रिप होगा बेटा उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से. क्लियर? सरकार उनके एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से लास्ट ट्रिप होगा, वो लास्ट ट्रिप पे उसको ये बेनिफिट मिल जाएंगे, बाकी हर ट्रिप पे बेनिफिट नहीं मिलेंगे. पर हाँ, हर ट्रिप पे आइटम्स लाइक चॉकलेट, चीज, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक बेटा, और एनी अदर पेटी गिफ्ट आइटम अप टू 1500 तक का वो ला सकती है हर ट्रिप पे बच्चा, ला सकते हैं मतलब. क्लियर? क्रू मेंबर्स बच्चा. हाँ है ना, पॉइंट खत्म होता है. अब ये बैगेज खत्म हो गया बेटा. गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर बच्चा. सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट अगर होता है बच्चा, तो बाय पोस्ट या बाय कुरियर, ऑथराइज कुरियर हो गया बच्चा, 20 बार कुरियर रेड किया है, हो सकता है. अगर आपने बाय इंपोर्ट किया है बाय पोस्ट, तो ऐसे केस में बैगेज आएंगे बेटा बाहर से, सॉरी मेल बैग्स आएंगे, अनलोड हो जाएंगे. आफ्टर अनलोडिंग दोज गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द पोस्टल अथॉरिटी या ऑथराइज कुरियर बेटा. वो क्या करेंगे, उन पार्सल पे लेबल लगा होगा, उस लेबल के बेस पे लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट के बेस पर वो लिस्ट सबमिट करेंगे किसको, कस्टम ऑफिसर को. एंड दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू अगर कस्टम लगना है तो. अब वो कस्टम ऑफिसर लिस्ट इवेल्युएट करेगा क्या इन पे कस्टम लगना है क्या. अगर नहीं लगना तो गुड्स को डिलीवर कर दे, गुड्स दे देंगे कस्टम पोस्टल अथॉरिटी को, बोलेंगे तू डिलीवर कर दे, पर कस्टम लगना है कुछ गुड्स पे, तो कंजानी को इंटीमेट करेंगे कि तुम्हारे गुड्स आ गए हैं पर कस्टम पे करो फिर हम डिलीवर करेंगे, नहीं तो डिलीवर नहीं करेंगे. और हाँ, अगर बाय पोस्ट आपने एक्सपोर्ट करना है तो सेम प्रोसेस बच्चा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा ड्रॉबैक के केस में. बस रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होगा, जिस दिन आपने पार्सल दिया किसको, पोस्टल अथॉरिटी को, दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एज वेल एज रेट ऑफ ड्रॉबैक बच्चा. हाँ है ना, माहौल सरकार फिरता है. स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स आर द कंज्यूमर्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड फ्यूल एंड अदर कंज्यूमर्स ऑन बोर्ड द वेसल या एयरक्राफ्ट. क्लियर? अब फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को आपने कोई भी गुड्स एज स्टोर सप्लाई किया तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, और ऐसे केस में ड्रॉबैक वगैरह सब कुछ मिलता है बच्चा. पर ध्यान देना, ऐसे केस में फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को आपने कोई गुड्स एज स्टोर सप्लाई किया तो 100% ड्रॉबैक है, 90% भी नहीं, 100% बच्चा. और अगर आपने ऐसे गुड्स को वेयर हाउस में रखवाया, इंपोर्ट किया, आपने डिक्लेरेशन दिया कि दीज आर द गुड्स टू बी सप्लाई टू अ फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट एज स्टोर, तो दीज गुड्स विल बी स्टोर्ड इन अ स्पेशल वेयर हाउस, और वो भी देना विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड. इसलिए तो इसको रखते हैं स्पेशल वेयर हाउस में, ताला लगेगा कस्टम ऑफिसर बच्चा, ताला लगा के रखेगा. क्लियर? अब सर एक वेसल से दूसरे वेसल में शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर दो, ऑफिसर की परमिशन लेना, और वेसल को वेसल से एक वेसल या एयरक्राफ्ट से दूसरे वेसल या एयरक्राफ्ट में फ्यूल वगैरह शिफ्ट करना है, स्टोर शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इंडियन टेरिटरी में वेसल चलेगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे भी स्टोर्स को काम आएंगे, उस पर कोई कष्ट नहीं लगेगा. और हाँ, इंडियन नेवी शिप को अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया एज ए स्टोर्स तो भी सेम प्रोविजन लगता है, सेम बेनिफिट मिलता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड सर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने में कस्टम लगता है, पर अगर आपने फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को कोई गुड्स दिया है एज ए स्टोर्स, तो उसको भले ही एक्सपोर्ट बोलते हैं पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं आती बच्चा. क्लियर? एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्या है, कोस्टल गुड्स. कोस्टल गुड्स क्या होते हैं बेटा, आज मेरे को बॉम्बे से गोवा कोई गुड्स भेजना है थ्रू सी रूट, तो उसको बोलते हैं कोस्टल गुड्स. ऐसे केस में मैं कस्टम पोर्ट या कोस्टल पोर्ट से इन गुड्स को लोड करूंगा वेसल पे और ले जाऊंगा कहा दूसरे पोर्ट बेटा, इनको बोलते हैं कोस्टल गुड्स. इसके प्रोसेसर क्या है, जो कंजनर होगा वो बिल ऑफ कोस्टल गुड्स फाइल करेगा, ऑफिसर परमिशन देगा, फिर गुड्स का लोडिंग होगा, पर्सन चार्ज मेरे को क्या देगा सर, मेट्स रिसीट मेरे को वो इश्यू करेगा. क्लियर? मैं वो मेट्स भेजूंगा कहा कंजनी गया, वो अब गोवा कंजनी वो मेट्स रिसीट लेके आएगा, तो ही उसको गुड्स की डिलीवरी मिलेगी, नहीं तो डिलीवरी नहीं मिलेगी. अब सर
मैंने गुड्स लोड कराया, पर्सन चार्ज मेरे को क्या दिया? मेट्स रिसीट। अब आपने भी लोड कराया होगा, बहुत सारे लोगों ने लोड कराया, रेस्पेक्टिव सारे पर्सन को क्या मिल गया? उनके उनके गुड्स का मेट्स रिसीट मिल गया। अब फिर जब वो निकलेगा उससे पहले क्या करेगा? एडवाइस बुक मेंटेन करता है, सारी गुड्स लोड हुई उन सबकी एंट्री कराएगा किसे? कस्टम ऑफिसर से, कितनी गुड्स लोड हुई है। फिर रिटर्न परमिशन लेगा, फिर डिपार्चर करेगा, फिर पहुंचेगा गोवा, वहां अनलोड करेगा गुड्स जो वहां के लिए थी, वहां के कस्टम ऑफिसर से एंट्री कराएगा इतना गुड्स यहाँ पे अनलोड हुआ एडवाइस बुक में बच्चा। फिर वहां पे जो कंजनी आएगा मेट्स रिसीट लेके उसको गुड्स दिया जाएगा बच्चा, कस्टम के बाद ऑब्वियसली नहीं आती है। क्लियर? इनलोडिंग अनलोडिंग जो होगा वो कोस्टल पोर्ट या कस्टम पोर्ट पे होगा, किसी और जगह पे नहीं होगा बेटा। क्लियर? जहां से कसाब आया था क्या वहां से लोडिंग अनलोडिंग कर सकते क्या? नहीं, पोर्ट पे होता बचाइए। क्लियर? सरकार बदलना ये सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर आपके वेसल पे केवल केवल क्या है कोस्टल गुड्स ही है तो बच्चा ये कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। बस अगर आप इंटरनेशनल बर्थ से ऑपरेट हो रहे हो, ऐसी बर्थ से जा रहे आ रहे हो जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वहां पे ये प्रोविजन लग जाएंगे कौन से? आईजीएम और ईजीएम वाले। मतलब आओगे तब कोस्टल मैनिफेस्ट, जाओगे तब कोस्टल मैनिफेस्ट फाइल करना है, और कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा अगर अगर आपके वेसल पे कोई भी गुड्स कोस्टल गुड्स के अलावा नहीं है तो। पर अगर कोस्टल गुड्स के अलावा कुछ गुड्स और भी है तो सारे प्रोविजन जो मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट वो सब अप्लाई होंगे बेटा। क्लियर? इसी के साथ चैप्टर 32 भी खत्म होता है। अब